सी साहब की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना सर्टिफिकेट की सही तरह से जांच कराए हम किसी को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, तब ये मामला एक बड़ा मोड़ ले रहा है। आपको दिखाते हैं हम इस वक्त खड़े निगरानी के दफ्तर के पास, और आपको याद दिलाते हैं कि निगरानी फर्जी सर्टिफिकेट्स की जांच दो वर्ष 2015 से ही कर रही है, यानी 6 साल बीत चुके हैं, और उन फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। और यही वजह है कि जो जांच की बात शिक्षा विभाग अभी कह रहा है, उस जांच को लेकर के संशय स्थिति है, जो 38,000 अभ्यर्थी अब तक चयनित हुए हैं उनके मन में, कि जो जांच की बात की जा रही है और जिस पर अब तक शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जांच किस तरह से होगी, किस तरह वो टीसी की जांच करवाएंगे। टीसी के लिए तो एक तरीका है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू बैठे बैठे जांच कर सकते हैं कि किसी का सर्टिफिकेट सही है या गलत, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट और खासकर जो कई सर्टिफिकेट है डीएलएड का या बीएड का, उसकी जांच करने में कितना समय लगेगा, इस बात को लेकर संशय की स्थिति है। और इस पर एक बड़ी खबर ये है कि अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले पाया है कि किस तरह से जांच होगी, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के वो सर्टिफिकेट्स हैं, देश की कई यूनिवर्सिटीज से जिन लोगों ने ये कोर्स किया है डीएलएड का या बीएड का, उन सर्टिफिकेट्स की जांच किस तरह से कराएंगे और कैसे इसको जिम्मा दिया जाएगा और कैसे जल्दी हो सके, इसको लेकर शिक्षा विभाग में अभी मंथन चल रहा है। वहीं अब तक जो जांच हुई है वहाँ मुश्किल से करीब 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है, और शिक्षा विभाग की माने तो नालंदा और पूर्णिया के साथ बक्सर ही एक ऐसा जिला है जहाँ अभी तक पुष्टि हुई है कि जहाँ फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने अभ्यर्थियों पर FIR हुई है, ये आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, शिक्षा विभाग इसकी गणना कर रहा है, क्योंकि पूरे बिहार से आंकड़े आने हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है, शिक्षा विभाग ने TET सर्टिफिकेट की जांच का जिम्मा सभी जिलों को दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपना स्तर से TET की जाँच कराएं, क्योंकि वो सिर्फ ऐप पर डिजी लॉकर के जरिए करना है। बाकी सर्टिफिकेट की जाँच को लेकर के अभी मंथन चल रहा है कि किस सिस्टम से, किस तरीके से शिक्षा विभाग उन सर्टिफिकेट की जांच कराएगा और उसमें कितना समय तय हो किया जाएगा। यानी एक जो संशय अभ्यर्थियों के मन में है कि जो निगरानी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई सर्टिफिकेट्स की, उस शिक्षा विभाग के जिम्मे अगर सर्टिफिकेट की जांच का जिम्मा है तो उन्हें नियुक्ति पत्र आगे तक मिलेगा। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये इंतजार है कि कब वो एक सिस्टम बनाता है जिस सिस्टम के थ्रू जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको उनके सर्टिफिकेट की सही तरीके से जांच हो सके। और जो ये साफ साफ कहा गया है कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना सर्टिफिकेट्स की सही तरह से जांच कराए हम किसी को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, तब ये मामला एक बड़ा मोड़ ले रहा है। आपको दिखाते हैं हम उस वक्त खड़े निगरानी के दफ्तर के पास, और आपको याद दिलाते हैं कि निगरानी फर्जी सर्टिफिकेट्स की जाँच 2015 से ही कर रही है, यानी 6 साल बीत चुके हैं, और उन फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। और यही वजह है कि जो जांच की बात शिक्षा विभाग अभी कह रहा है, उस जांच को लेकर के संशय की स्थिति है, जो 38,000 अभ्यर्थी अब तक चयनित हुए हैं उनके मन में, कि जो जांच की बात की जा रही है और जिस पर अब तक शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जाँच किस तरह से होगी, किस तरह वो TET की जाँच करवाएंगे। TET के लिए तो एक तरीका है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू बैठे बैठे जांच कर सकते हैं कि किसी का सर्टिफिकेट सही है या गलत, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट और खासकर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है डीएलएड का या बीएड का, उसकी जांच करने में कितना समय लगेगा, इस बात को लेकर संशय की स्थिति है। और इस पर एक बड़ी खबर यह है कि अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले पाया है या किस तरह से जाँच होगी, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के वो सर्टिफिकेट्स हैं, देश की कई यूनिवर्सिटीज से जिन लोगों ने ये कोर्स किया है डीएलएड का या बीएड का, उन सर्टिफिकेट्स की जांच किस तरह से कराएंगे और कैसे इसको जिम्मा दिया जाएगा और कैसे जल्दी हो सके, इसको लेकर शिक्षा विभाग में अभी मंथन चल रहा है। वहीं अब तक जो जाँच हुई है वहाँ मुश्किल से करीब 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है, और शिक्षा विभाग की माने तो नालंदा और पूर्णिया के साथ बक्सर ही एक ऐसा जिला है जहां अभी तक पुष्टि हुई है कि जहां
फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने अभ्यर्थियों पर FIR हुई है। ये आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, शिक्षा विभाग इसकी गणना कर रहा है क्योंकि पूरे बिहार से आंकड़े आने हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है शिक्षा विभाग ने PET के लिए, तो एक तरीका है कि आप DigiLocker के थ्रू बैठे बैठे जाँच कर सकते हैं कि किसी का सर्टिफिकेट सही है या गलत। लेकिन बाकी सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट और खासकर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है DLED का या BEd का, उसकी जांच करने में कितना समय लगेगा, इस बात को लेकर संशय की स्थिति है। और इस पर एक बड़ी खबर यह है कि अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले पाया है कि किस तरह से जांच होगी, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वो सर्टिफिकेट्स हैं, देश की कई यूनिवर्सिटीज से जिन लोगों ने ये कोर्स किया है DLED का या BEd का, उन सर्टिफिकेट्स की जाँच किस तरह से कराएंगे और कैसे इसको जिम्मा दिया जाएगा और कैसे जल्दी हो सके, इसको लेकर शिक्षा विभाग में अभी मंथन चल रहा है। वहीं अब तक जो जांच हुई है वहाँ मुश्किल से करीब 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। और शिक्षा विभाग की माने तो नालंदा और पूर्णिया के साथ बक्सर ही एक ऐसा जिला है जहाँ अभी तक पुष्टि हुई है कि जहाँ फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने अभ्यर्थियों पर FIR हुई है। ये आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, शिक्षा विभाग इसकी गणना कर रहा है क्योंकि पूरे बिहार से आंकड़े आने हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है शिक्षा विभाग ने TET सर्टिफिकेट की जांच का जिम्मा सभी जिलों को दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपना स्तर से TET की जाँच कराएं, क्योंकि वो सिर्फ ऐप पर DigiLocker के जरिए कर रहा है। बाकी सर्टिफिकेट की जाँच को लेकर के अभी मंथन चल रहा है कि किस सिस्टम से, किस तरीके से शिक्षा विभाग उन सर्टिफिकेट की जांच कराएगा और उसमें कितना समय तय हो किया जाएगा। यानी एक जो संशय अभ्यर्थियों के मन में है कि जो निगरानी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई सर्टिफिकेट्स की, उस शिक्षा विभाग के जिम्मे अगर सर्टिफिकेट की जांच का जिम्मा है तो उन्हें नियुक्ति पत्र आखिर कब तक मिलेगा। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये इंतजार है कि कब वो एक सिस्टम बनाता है जिस सिस्टम के थ्रू जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको उनके सर्टिफिकेट की सही तरीके से जांच हो सके और जो सही अभ्यर्थी पाए जाते हैं। जांच को लेकर के संशय की स्थिति है, जो 38,000 अभ्यर्थी अब तक चयनित हुए हैं उनके मन में कि जो जांच की बात की जा रही है और जिस पर अब तक शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जाँच किस तरह से होगी, किस तरह वो TET की जाँच करवाएंगे। TET के लिए तो एक तरीका है कि आप DigiLocker के थ्रू बैठे बैठे जाँच कर सकते हैं कि किसी का सर्टिफिकेट सही है या गलत। लेकिन बाकी सर्टिफिकेट, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट और खासकर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है DLED का या BEd का, उसकी जांच करने में कितना समय लगेगा।